हम सब तो काल के चक्र में फंसे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और कोई चोरी कर रहा है, कोई दिन भर असत्य ही बोल रहा है, कोई सत्य भी बोल रहा है, नित्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई भी धंधा नाम कुछ ना कुछ हम कर ही रहे हैं, क्योंकि ये पेट पापी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये मोक्ष के द्वार नहीं है, इनसे हमारी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता है। ये तो ये काल का चक्र है जिसमें हम फंसे पड़े हैं। मृत्यु के बाद यमराज चित्रगुप्त भगवान के आदेश से इसी जीव को, जो आज आप इंसान हैं, आपकी आत्मा निकाल कर कुत्ते में डाल देगा कर्मों के अनुसार, और उसी आत्मा को निकाल कर चींटी में डाल देगा। ये हमारे मोक्ष के कर्म नहीं, हम तो सिर्फ दुनिया के जाल में, झूठे जंजालों में और माया मोह में, काम क्रोध में पड़े हैं, उलझे हैं। व्यक्ति मोक्ष तभी पा सकता है, काम क्रोध लोभ लालच और मोह इन कर्मों को वो त्याग कर अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है। सिर्फ एक निराकार यानी स्वयं एक नारायण ही उसके लिए एक आधार है, भगवान का भजन करता है। ये नहीं कि नित्य क्रिया नहीं करना चाहिए, मनुष्य का जीवन है तो कर्म करना ही होगा, लेकिन सिर्फ एक सच्चिदानंद भगवान की आराधना करता है और दुनिया के इन जंजालों से दूर रहता है, वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। उसे स्वर्ग भी मिल सकता है, बेकुंड भी मिल सकता है, गौलोक भी मिल सकता है, भगवान के चरणों में हमेशा ही चला जाता है। इन संसार में, इन जंजालों में, इन झूठे व्यक्तियों में नहीं आता। ये हमारा विचार है, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, हम मर जाएंगे, हम चले जाएंगे, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा बहन, कोई किसी का नहीं है। मित्रों, ये जाल है, ये काल का चक्र है जो हमें उलझा के रखता है, यही हमें नर्क ले जाता है और यही हमें बेकुंठ स्वर्ग की प्राप्ति करवाता है। लेकिन हम बुद्धि हमारी स्थित करके उस परमात्मा का नियंत्रण चिंतन करते हैं तो ही हमें उच्च लोक की प्राप्ति होती है। श्री राधे राधे।